नरेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री बिहार के, अरे ये आने दे इनको, नरेंद्र सिंह जी और दिनेश जी हैं और अखलाक साहब हैं, ये बिहार से आए हैं, आने दें आप इनको, आने दें आप इन तीनों लोगों को, इनको ऊपर आने दें। अगले वक्ता जो हैं वो मनजीत सिंह जी मंडा शाहजहांपुर से, वो आए, एक मिनट मनजीत सिंह जी जल्दी चलें आप। बटे ऐसे ही डटे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजबीर सिंह जी जादौन। हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसके बारे में आप क्या सोचते हो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद। हम उनका बहुत ही स्वागत करते हैं। राजकौर गिल जी हमारी आई हैं, उनका बहुत स्वागत करते हैं। बलजिंदर सिंह जी मान उत्तराखंड तराई क्षेत्र प्रभारी हैं, वो आए और अपना वक्तव्य दें। एक मिनट जल्दी भाई, एक मिनट तो पहुंचने में लगा देगा। ये सामने वाले भाई बैठ जाएं, हाथ जोड़ लिए आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पीछे बहुत लोग हैं, पीछे बैठ जाएं। लाखों की संख्या में आए भारत के किसान मजदूर साथियों, बहुत बड़ी गिनती में आज आप यहां पहुंचे हैं अपनी बात कहने के लिए। और जो भारत सरकार ने काले कानून बनाए हैं उन कानूनों को वापिस करवाने के लिए 9 महीने से आप लोग सरहदों पे बैठे, दिल्ली के चारों ओर अपनी बात कहने के लिए बैठे हैं, लेकिन जालिम सरकार आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। साथियों आज आपने दिखा दिया कि बहुत बड़ी गिनती में हमारा किसान एक है, किसान मजदूर एक हैं और हम अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आज किसानों की राजधानी मुजफ्फरनगर में आए हैं। तो चौधरी राकेश टिकैत जी, चौधरी नरेश टिकैत जी, उनके यहाँ पर थोड़ी देर में आगमन होगा, आएंगे। संयुक्त मोर्चा जो है पूरे ही देश से, संयुक्त मोर्चे की ये महापंचायत साथियों बहुत बड़ी गिनती में पंजाब हरियाणा से पूरे देश से आप लोग आए हैं। और अभी साथी पूरे तराई क्षेत्र के हमारे साथी किसान भाई अभी रास्ते में हजारों गाड़ियों के काफले लीजिए, कितनी बड़ी संख्या में किसान होंगे कोई भी गिनती नहीं लगा सकता। ये कितने किसान यहाँ पे पहुंचेंगे साथियों, हजारों गाड़ियां भी पीछे तराई क्षेत्र में भी रुकी हुई हैं, रास्तों में जाम है। तो लाखों की गिनती में आप यहाँ आए अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। भारत सरकार को झुकना पड़ेगा, आपकी बात सुननी पड़ेगी, आपकी बात माननी पड़ेगी। किसान मजदूर देश की रीढ़ है, इनकी आवाज को जब तक दबाया जाएगा हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे और अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आपका धन्यवाद। मैं हमारे नरेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री बिहार के, अरे ये आने दें इनको, नरेंद्र सिंह जी और दिनेश जी हैं और अखलाक साहब हैं, ये बिहार से आए हैं, आने दें आप इनको, आने दें आप इन तीनों लोगों को, इनको ऊपर आने दें। अगले वक्ता जो हैं वो मनजीत सिंह जी मंडा शाहजहांपुर से, वो आए, एक मिनट मनजीत सिंह जी जल्दी चलें आप। मलूक सिंह जी खंडा तैयार रहे हैं, इसके बाद यहीं आ जाएं जल्दी से। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान भाई दूर दूर से, भारत के कोने कोने से आपने आके एकता का सबूत दिया। भाइयों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एकता और अखंडता ने ये सरकारों को बता दिया है, सरकारों को इसका प्रमाण दे दिया है कि जो किसान है वो अपनी लड़ाई अपने आप लड़ना जानता है। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे, ऐसे ही एकजुटता के साथ किसान सबके सहयोग से, पूरे देश के किसान एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी।
बहुत बहुत धन्यवाद और हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं कि इस पंचायत हेतु जिन लोगों ने 3000 लंगर भंडारे यहाँ पे लगाए हैं और 2000 से ज्यादा मोबाइल भंडारे का बहुत बहुत धन्यवाद। और सदरुद्दीन नगर ने यहीं पे माजरा ने विशिष्ट अतिथियों के लिए भंडारा लगाया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। 37 साल से आप इसी तरह से लोगों को भोजन कराते हैं, धन्यवाद। मैं मनीराम ओड़ा जी से निवेदन करूंगा, वो मंच पे आ जाए। मनीराम ओड़ा जी राजस्थान से। मलूक सिंह जी बोल गए, मलूक सिंह जी जल्दी करें, जल्दी एक मिनट। सम्मानित मंच, यहाँ मीडिया के बंधु और दूर दूर से पूरे भारतवर्ष से पहुंचे हुए हमारे किसान भाइयों, आज यहाँ पर मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत में आप लोगों ने पहुंच के एक साबित कर दिया कि क्रांति जो है पूरे देश में जो है इस समय आ चुकी है। जो ये हमारे किसान मजदूर और छोटे व्यापारियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है सरकार के द्वारा, और ये जो काले कानून बनाए गए हैं किसानों के विरुद्ध, इसको वापस करवाने के लिए आज यहाँ पर आप लोगों ने इस मुहिम जो चल रही है इसको बहुत भर जो बल दिया है। आप लोगों के जो है ये मंच आपका बहुत बहुत आभारी है और ये क्रांति को बढ़ाने के लिए आप लोग ऐसे ही यहाँ पर जैसे आए हैं वैसे ही आप लोग अपने अपने गांव में क्षेत्र में इस क्रांति को फैलाते रहे। इस जो हमारे खिलाफ जो अत्याचार की जो रणनीति बनाई गई है इसको रोकने के लिए जो है हम लोग यहाँ पर जो पहुंचे हैं, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम लड़ते रहे और हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। ये काले कानून भी वापिस करवा के ही जाएंगे। MSP पे कानून जब तक नहीं बनता तब तक जो है हम लोग वोटरों पे बटे ऐसे ही डटे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजबीर सिंह जी जादौन अपना संबोधन देंगे। मैं निवेदन करूंगा राजबीर जी से, वो आए और अपना संबोधन दें। राजबीर सिंह जी जादौन। गजेंद्र घाट के चौधरी अलावत सिंह जी जहाँ भी मेरी आवाज सुन रहे हो मंच पे आ जाएं। अलावत घाट के चौधरी प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह जी जहाँ भी हो मंच पे आ जाएं। आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान संयुक्त किसान मोर्चा के सभी सम्मानित साथीगण, भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारीगण, सभी सिंह का नाम दिखा रहा वो बिरेंदर उसका लिख लो, खापों के सम्मानित चौधरी साहबान, आज यह ऐतिहासिक पंचायत बहुत दिनों से इंतजार था। किसानों को भी, सरकारों को भी, मीडिया को भी, दुनिया के हर तबके को इस पंचायत का इंतजार था, वो आज दिन आ गया। ये पंचायत का मंजर दिखाई दे रहा है कि अभी तक ऐसी ऐतिहासिक पंचायत कभी हुई नहीं। साथियों, दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 9 महीने से लगातार जो आंदोलन चल रहा है उसी आंदोलन के क्रम में यह पंचायत पहली यहां पर रखी गई उत्तर प्रदेश में। 30 नवंबर तक उत्तर प्रदेश के हर मंडल में 18 मंडल है, 18 मंडल में इस तरह की बड़ी बड़ी पंचायतों का आयोजन होगा। और भी जो हमारा प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा तय होगा, उत्तर प्रदेश का किसान उन प्रोग्रामों को अक्षरशः पालन करवाने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है, वचनबद्ध है। आप सभी लोग उत्तर प्रदेश की धरती पर आए, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। और आपसे मेरा एक विशेष अनुरोध है, यहां आने में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो तो मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। हम लोगों की पूरी प्लान थी आपको अच्छी से अच्छी व्यवस्था देने का, सारे लोगों के खाने पीने की व्यवस्था करवाई, सभी कुछ। आप लोगों से भी अनुरोध है, आप केवल किसान ही नहीं वॉलंटियर का भी काम करिए। जो लोग सामने खड़े हुए हैं ये लोग बैठ जाएं अपनी जगह पर, पीछे वालों को भी देखने का मौका दें। आप लोग बैठने का काम करें, व्यवस्था स्वयं सारे किसान बनाएं। ये मेरा उत्तर प्रदेश की तरफ से आपसे अनुरोध है।
जितने भी हमारे मेहमान साथी, उत्तर प्रदेश के साथी, पूरे देश से आने वाले साथी व्यवस्था में